असलम स्टूडेंट्स इस सेशन में हम सोशल एंटरप्रेन्योर्स के दरमियान जो मिज़ो टू मैक्रो लेवल या वाइडर डिसकंटेंट या डिसटिस्फेक्शन होती है उसके बारे में बात करेंगे तो उन्हें मोटिवेट करती है कि वो बड़ी ऑर्गनाइजेशनस बड़ी बड़ी कंपनीज या गवर्नमेंट किस्म की जॉब्स को छोड़कर अपना एंटरप्राइज शुरू करते हैं ये जो एक वाइडर डिसकंटेंट है ये इंडिविजुअल या एक शख्स में नहीं होती कि जो अपना काम शुरू कर देता है अपनी एंटरप्राइज इस्ट करता है अमूमा ये बहुत सारे लोगों में डिसकंटेंट होती है फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनीज का काम करने का तरीका मैनेजमेंट के मेथड्स, जो वेज लेबर मार्केट है उसके असूलों से इख्त होना मतलब मिनिमम वेज कितना हो मैक्सिमम वेज कितना हो ज़्यादातर लोग हालांकि वो पार्टिसिपेट भी कर रहे होते हैं उसके अंदर वो उन्हीं कंपनीज में काम करते हैं उसी लेबर मार्केट के थ्रू अपने आप को एम्प्लॉय करते हैं लेकिन दे फील डिसकंटेंट के ये जो तरीके हैं जो लेबर मार्केट के असूल हैं जो कंपनीज के मैनेजमेंट मेथड्स हैं वो ठीक नहीं हैं वो एगेलीटेरियन नहीं हैं वो जस्ट नहीं हैं वो लोगों को रिकगनाइज़ नहीं करते ये सारी चीज़ें उन्हें डिसटिस्फेक्शन एक ओवरऑल एक क्रिएट हो जाती है बहुत सारे लोगों के दरमियान एक होती है और सिर्फ किसी एक कंपनी से नहीं होती बल्कि फॉर एग्जांपल एक शख्स एक सोशल एंटरप्रेन्योर पोटेंशियल सोशल एंटरप्रेन्योर एक कंपनी में काम कर रहा है तो उसे सिर्फ ये इख्तलाफ नहीं है कि उसकी कंपनी में या उसकी फार्म में या उसके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक खास किस्म की प्रैक्टिस क्यों है एज दे नो कि यही प्रैक्टिस हर कंपनी में इसी तरह होती है मैनेजमेंट के तरीके इसी तरह हैं गवर्नमेंट के रूल्स इसी तरह हैं तो वो उन सब के हवाले से डिसटिस्फेक्शन फील करते हैं उनको लगता है कि वो इस सेक्टर में जिसमें वो काम कर रहे हैं वो उसमें मज़ीद काम नहीं कर सकते सोशल एंटरप्रेन्योर्स के प्रोफाइल पर जो रिसर्च हुई है उससे पता चलता है कि अक्सर सोशल एंटरप्रेन्योर्स, सोशल एंटरप्रेन्योर बनने से पहले अच्छी कंपनीज में जॉब कर रहे थे अच्छे बिजनेसेस रन कर रहे थे या गवर्नमेंट में अच्छी पोजीशंस पर काम कर रहे थे और ज़रूरी नहीं है कि उन्हें माइक्रो या पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम हुआ तो उन्होंने छोड़ा उन्हें, उन्हें दरअसल कंपनी के तरीक़ार से अख्तिलाफ़ था उन्हें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो रूल्स थे उनसे अख्तिलाफ़ था ये एक वाइडर या मैक्रो लेवल की डिसकंटेंटमेंट या डिसटिस्फ़ैक्शन थी जिसके अगेंस्ट उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन को या उस जगह को क्वेट किया और अपना एक काम शुरू किया ख़ास तौर पर उस डिसट्सफेक्शन के बाद अब उन्होंने जो काम या एंटरप्राइज इस्टेब्लिश किया उन्होंने उसमें उस चीज़ का ख़्याल रखा कि जो इख्लाफात या डिसकंटेंटमेंट उन्हें पिछली ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से थी वो उनके अपने एंटरप्राइज के कामों में ना आए उनके अपने एम्प्लॉज़ जो हैं उन्हीं पॉलिसी से इम्पेक्ट ना हों बल्कि एक नया और एक बेहतर तरीक़ाकार जो है वो इनोवेटिव एक इंट्रोड्यूस करा सकें लोगों की बैकग्राउंड ख़ास तौर पर जो सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन और बैकग्राउंड है वो भी उनकी डिस जो डिसटिस्फेक्शन है उसमें कंट्रीब्यूट करती है फॉर एग्जांपल जो लोग पब्लिक पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस, डेवलपमेंट स्टडीज़ इस किस्म की एजुकेशन और ट्रेनिंग के साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स यू एजेंसीज या इंटरनेशनल एन को ज्वाइन करते हैं दे हैव सर्टन और उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है उन्होंने थेरी में कुछ खास चीज़ों को पढ़ा समझा और तरीक़ाकार को अपने जहन में कंसेपचलाइज और डेवलप किया होता है वो जब देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट नहीं है यूएन के काम ट्रांसपेरेंट नहीं है एन जो हैं वो अकाउंटेबल नहीं है तो ये चीज़ें जो हैं वो उन्हें डिसटिस्फाई करती हैं कि इस तरह से इन मेल प्रैक्टिसेस के होते हुए अगर आप सोशल सर्विस या लोगों की बेहतरी या पॉजिटिव चेंज या सोशल इम्पेक्ट की बात करते हैं तो ये दरअसल मुमकिन नहीं है ये सर्विस है और वो डिसकंटेंटमेंट उन्हें मजबूर करती है उन्हें मोटिवेट करती है कि वो वो गवर्नमेंट एजेंसीज़ या यूएन या एन जी जहाँ कहीं वो काम कर रहे हैं जिसके बारे में उनकी एक समझ है वो उस जगह को छोड़ें और अपना इंटरप्राइज जो है उसको शुरू करें जहाँ पर वो अपनी समझ के मुताबिक प्रोसीजर्स को इंट्रोड्यूस करा सकें खास तौर पर इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये वो चीज़ें हैं जिनको वो अपने सोशल एंटरप्राइज में जो है वो फॉरमोस्ट और प्रेफरेंस देते हैं ताकि जो सोशल इम्पेक्ट है वो ट्रांसपेरेंट हो वो अकाउंटेबल फील करें ना सिर्फ लोगों को बल्कि जो और ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको और अपने आप को भी तो ये डिसटिस्फ़ैक्शन एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन जाती है उनके लिए कि वो एक डिफ़रेंट और एक बेहतर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको शुरू कर सकें इसी तरह जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हमारे यहाँ एज के जेंडर के जिस किस्म के डिवीजन है हमारे माशरों के अंदर जिस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं फैमिली का एक खास स्ट्रक्चर है उसके अलावा नहीं हो सकता जो उससे अलग कुछ करता है वो उमूमन एक्सक्लूड कर दिया जाता है जेंडर के स्ट्रक्चर्स हैं या तो लोग मेल हैं या फीमेल हैं अगर अपने आप को लोग किसी और तरह आइडेंटिफाई करते हैं तो उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है दे बिकम वलनरेबल इसी तरह इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनके बारे में एक आम अंडरस्टेंडिंग होती है कि ये तो या तो ख़ुदा की तरफ से हैं या ये रिवर्सबल हैं इनका इंसान क्या कर सकता है नेचर बहुत ताकतवर है तो ये जो सोशल और इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर्स और बिलीफ्स और प्रोसेस हमने तय कर लिए हुए हैं कहीं नहीं लिखा कि ये तयशुदा है तो ये चीज़ सोशल एंटरप्रेन्योर्स को डिसटिस्फाई करती है ये किसने तय किया क्यों किया और जबकि हमें इन स्ट्रक्चर्स के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसिस के बारे में अच्छी तरह इल्म है हम जानते हैं कि उससे कहाँ कहाँ क्या नुकसान हो रहा है क्या वालबलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं उसके बावजूद हम क्यों इनसे कम्प्लाई करते हैं ये चीज़ उन्हें मोटिवेट करती है कि वो उसके पैरेलल या उसके अगेंस्ट एक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करा सकें जहाँ पर वो वलनरेबलिटीज़ वो एक्सक्लूजन जो हैं वो ना हो और जो सोशल इम्पेक्ट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जो पॉजिटिव चेंज है उससे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इक्वली बेनिफिट हो सकें ना सिर्फ खुद सोशल एंटरप्रेन्योर उसका एंटरप्राइज बल्कि सोसाइटी और वर्ल्ड एट लार्ज जो है उसके खास तौर पर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के हवाले से ये पॉइंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये डिसटिस्फ़ैक्शन जो करंट स्ट्रक्चर्स के साथ है वो सोशल एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करती है कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे स्ट्रक्चर्स इंट्रोड्यूस कराएं जो मैक्रो लेवल प्रॉब्लम्स को हल करने के अहल हों और एक पॉजिटिव तरीके से हल करने के अहल हों